Subscribe to this channel and press the bell icon to get notified for the latest tech videos. Assalamualaikum YouTube, मेरा नाम है वासिफ और आप देख रहे हैं वासिफ टेक टिप्स। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि RP एक्टिविटी पैक होता क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं और आप इस एक्टिविटी पैक को बाय कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने सारे के सारे यूसी जो आपने इस पर लगाए हैं वो वापस रिफ़ंड करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो के दौरान मैं एक ख़ास चीज़ बताऊंगा जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा अगर आप एक RP एक्टिविटी पैक ख़रीदने लगे हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। तो RP एक्टिविटी पैक होता क्या है, तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो यूट्यूबर्स होते हैं या जो ज़्यादा पैसा लगाते हैं अपनी PUBG मोबाइल की ID पे, आपने देखा होगा कि पहले दिन ही जिस दिन रॉयल पास आता है उसी दिन ही उनकी 50 RP हो जाती है। तो आप सोचते हैं कि कैसे होता है, क्योंकि 50 RP पहले दिन कैसे हो सकती है। तो वो ये करते हैं कि वो RP एक्टिविटी पैक खरीदते हैं। तो RP एक्टिविटी पैक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप पैसे लगाते हैं इस पे, तो जितने यूसी आपने लगाए होते हैं उतने यूसी आपको रिटर्न हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूं कि RP एक्टिविटी पैक होता कहां पे है। ऊपर आपने RP के ऊपर क्लिक कर देना है। यहां लेफ्ट साइड पर आपको ये 3 डब्बे नजर आ रहे हैं, आपने पहले वाले के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं लिखा रहा है M10 RP एक्टिविटी पैक, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये होता है RP एक्टिविटी पैक। तो बेसिकली ये वो चीज़ है कि जिससे आप RP ख़रीद सकते हैं, यानी आप 1000 UC की 1000 RP ख़रीद सकते हैं और 5000 UC की 5000 RP ख़रीद सकते हैं। तो जब आप 5000 UC की 5000 RP ख़रीदेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली 50 RP हो जाएगी, यानी आपकी RP मैक्स हो जाएगी पहले दिन ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास 5 किस्म के पैक्स हैं, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और पाँचवा है। तो अगर आप पहला पैक ख़रीदेंगे आपके 1000 UC लगेंगे और आपकी 10 RP बढ़ जाएगी। अगर आप दूसरा पैक यानी 2 पैक्स ख़रीदेंगे तो आपके 2000 UC लगेंगे और आपकी 20 RP पड़ जाएगी। और इस तरह अगर आप 5 ख़रीदेंगे तो आपकी 5000 UC लगेंगे और आपकी 50 RP हो जाएगी। तो इसका एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि अगर आप यहाँ से RP ख़रीदते हैं RP पैक से, तो इसमें ये होता है कि आपने जितने भी UC लगाए होते हैं वो आपको रिटर्न हो जाते हैं। तो उसमें ये होता है कि मिसाल तौर पर आपने आपने 1000 RP ख़रीदे हैं 1000 UC की, तो जो ही आप ख़रीदेंगे तो आपके जो RP मिशन होते हैं जिसमें आपको येलो कलर की RP मिलती है, अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर जाके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी आपको RP मिल रही है वो येलो कलर की है, वो उसका कलर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी वो जो आपको पहले रॉयल पास की RP मिलती थी अब वो आपको RP पैक की RP मिलेगी, और जितने आपके पास वो ग्रीन पॉइंट ज़्यादा होंगे उतने UC आपको वापस मिलते जा रहे होंगे। तो मैं भी RP ख़रीद के भी दिखाऊंगा तो वो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप इस तरीके से RP ख़रीदते हैं तो आपकी RP मैक्स भी होती है और आपको आपकी RP के UC भी वापस रिटर्न हो जाते हैं। अगर आप दूसरे तरीके से RP ख़रीदे जो लॉक करते हैं, मिसाल तौर पर जो RP पे जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं परचेस रैंक लिखा है, अगर आप वो यहाँ पर क्लिक करते हैं और अगर वो यहाँ से RP परचेस करेंगे तो उनका रॉयल पास तो मैक्स हो जाएगा लेकिन उन्होंने जितने भी UC लगाए हैं वो उनको वापस रिटर्न नहीं होंगे। अगर उन्होंने 5000 UC लगाए हैं तो वो 5000 UC उनको वापस नहीं मिलेंगे, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। और दूसरे तरीके से जो लोग RP बाय करते हैं वो शॉप में जाते हैं, इधर आई थिंक सो यहाँ पर चले जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी RP है तकरीबन 100 की, तो मैं प्राइम प्लस यूज़र हूँ तो 80 UC की दिखा रहा है। तो यहाँ से भी अगेन आप RP ख़रीद तो सकते हैं लेकिन आपको आपके UC वापस नहीं मिलेंगे। तो आपका जो है RP पैक, उसका यही सबसे बड़ा फ़ायदा और खसूसियत है कि आप उसमें जितने UC लगाएंगे उतने UC आपको वापस मिलेंगे। तो जो शुरू में मैंने बात बताई थी जो RP यूज़र्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा RP पैक ख़रीदने के बाद। तो RP पैक ख़रीदना है तो मैं RP के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अगेन मैं ऊपर उस डब्बे के ऊपर क्लिक करूँगा, सॉरी डब्बे के ऊपर क्लिक किया, RP पैक में चला जाऊंगा, यहाँ बाय पैक पे क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हैं मैं मैक्सिमम 5 ख़रीद सकता हूँ, यानी 50 RP मेरी हो जाएगी, लेकिन मैं अभी 50 नहीं करना चाह रहा तो मैं इसको बैक करता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको अपनी RP दिखा देता हूँ कि मेरी अभी RP आप देख सकते हैं 19 लिखी आ रही है। तो मैं एक पैक ख़रीदूँगा तो मेरी RP 29 हो जानी चाहिए। मैं बाय पैक के बटन में क्लिक करूँगा, मैं सिर्फ अभी एक पैक ख़रीद रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ कि ये ज़रूरी क्यों है, वो ट्रिक क्या है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी UC ज़ाया ना हो RP पैक में, तो आप पहले एक पैक ख़रीदें फिर दूसरा फिर तीसरा, इसलिए क्योंकि जो आप पैक ख़रीदते हैं उसके बाद आपके जो RP के मिशंस होते हैं वो RP पैक में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी जो आपके पहले 100 RP पॉइंट्स आपकी RP बढ़ती थी, अब वो 100 RP पॉइंट्स आपके 100 UC में कन्वर्ट होंगे। तो आपको पता है बाज़ अवकात ऐसा होता है कि हमारी फुल 50 RP नहीं हो पाती, मिशन कम पड़ जाते हैं। तो उस वजह से ये होता है कि अगर हमने 5000 UC की RP पॉइंट ख़रीद ली मिसाल तौर पर, हमारी 50 RP नहीं हो पाती हमसे, मतलब वो मिशन सारे कम्प्लीट नहीं होते, तो एंड में हमारे UC ज़ाया हो
हो जाएंगे। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप एक एक करके आरपी पैक खरीदें, आप पहले पिछला आरपी पैक कंप्लीट करें उसके बाद नेक्स्ट करें ताकि आपको यूसी 700 रिटर्न हो। तो मैं यहाँ परचेज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, मैं सिर्फ एक खरीद रहा हूँ, ओके के बटन पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मुझे 1000 आरपी यानी 10 आरपी मेरी बढ़ जाएगी और 2 क्लासिक क्रेडिट कूपन्स फ्री में मिले हैं, 29 से 29 डायरेक्ट होगी मेरी आरपी। अब मैं बताता हूँ कि ये जो यहाँ पर बात लिखी इसका मतलब क्या है। तो अगेन जो मैंने कहा था, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे प्रोग्रेस बार लिखी आ रही है, अगर आपको नज़र आ रहा हो यहाँ पे 0 से 1000 तक और यहाँ ऊपर भी 0 से 1000 लिखा है करंट मिशन एक्टिविटी पॉइंट प्रोग्रेस, यानी जो ही ऊपर 1000 पॉइंट होंगे मुझे 1000 यूसी वापस मिल जाएगी, अगर 1000 पॉइंट से कम होंगे तो तब मेरी 1000 यूसी वापस नहीं मिलेगी। तो अभी आपने 1000 पॉइंट करने कैसे, वो बड़ा ही सिंपल है, आपने बैक पर चले जाना है। अगर आप यहाँ मिशन में जाएँ तो आप देखें जो यहाँ पर पहले येलो कलर की आर पी के लिए शो होता था, अब वो ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया आरपी पैक के पॉइंट्स में, यानी अब अगर मिसाल तौर पर मुझे 100 ये ग्रीन वाले पॉइंट्स मिलते हैं तो ये एक्चुअली 100 यूसी हैं जो मुझे वापस मिलेंगे। तो मुझे बस यहाँ से 1000 पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं, वो आरपी पैक में आ जाएंगे और वहाँ से मैं कलेक्ट करूँगा मेरे 1000 जो आरपी 1000 यूसी है वो वापस रिटर्न हो जाएंगे। यही वजह है कि आपने एकदम 50 आरपी शुरू में नहीं ख़रीदनी, उसकी वजह ये है कि हो सकता है इसमें कुछ मिशन ऐसे हों जो आपसे पूरे ना हो पा रहे हैं, तो उससे ये होगा कि जो भी आपको आरपी पॉइंट्स हैं जो ग्रीन वाले वो यहीं से मिलेंगे, अगर आप क्रेट ओपनिंग करते हैं तो उससे आपके ग्रीन वाले आरपी पॉइंट्स नहीं मिलते, आपको ये बात याद रखिएगा। तो अगर यहाँ से आपको आरपी पॉइंट्स कम पड़ जाएंगे तो एंड में क्या पता आपके 1000 पूरे ना हो पाए पॉइंट्स, तो आपके यूसी ज़ाया हो जाएंगे। इसलिए मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि आप एक एक पैक ख़रीदें, उसको पूरा करें और उससे नेक्स्ट पैक ख़रीद लें। तो अभी मैं यहाँ से सारा कुछ कलेक्ट कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ से मिशंस के ऊपर चला जाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डेली लॉगिन है उससे भी आपको 10 आरपी पैक पॉइंट्स मिलेंगे और ऊपर भी आप देख सकते हैं कि जो ही 300 पॉइंट्स होंगे तो उस पर भी आपको मिल जाएंगे। मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ स्किप। तो अभी आप देख सकते हैं ऊपर 100 के ऊपर हो गया। अब मैं कलेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से इसके ऊपर भी क्लिक करता हूँ तो 100 आरपी पॉइंट्स मुझे मिल गए हैं ग्रीन वाले आरपी पैक पे। अगेन मैं अगर आरपी पे जाऊँ यहाँ पर उस पर क्लिक करूँ और आरपी पैक पे जाऊँ तो आप देख सकते हैं अब 100 लिखा आ रहा है और 1000 यानी 900 मुझे और करने हैं, लेकिन आसान लफ्ज़ों में ये है कि मुझे 100 यूसी रिटर्न होगी है। वो अलग बात है कि जब तक आपके 1000 पॉइंट्स पूरे नहीं होते तब तक आपको यूसी नहीं मिलती, जब तक आप 1000 पॉइंट्स करेंगे तो आपको 1000 यूसी आपकी वापस मिल जाएगी। तो इस तरह अभी 100 पॉइंट्स हों, इस तरह आप डेली मिशंस करें यहाँ आरपी के मिशंस करें तो आपके आराम से 1000 पॉइंट्स हो जाएंगे और आपको आपके यूसी वापस रिटर्न हो जाएंगे। तो गाइज ये है कि आरपी पैक क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे, आप कैसे बाय कर सकते हैं और आप अपने यूसी सारे रिफंड कैसे करवा सकते हैं। अगर आपकी वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें, शेयर करें, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैंने पबजी के रिलेटेड पहले भी वीडियोज़ बनाई है, उनका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एनी वेज थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ़।